करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के आगे में पढ़ेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रक्टोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज कीटोनिक फंक्शन ग्रुप होता है फ्रक्टोज के अंदर। ठीक है, अब आपको बनाना है फ्रक्टोज के प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड देखिएगा, पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से आपको फ्रक्टोज बनाना है। ये का ये मेथड अपन ने ग्लूकोज में पढ़ा था। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो क्या बनेगा? C6H12O6 and C6H12O6, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दिस इज ए प्रैक्टिकली मेथड, लेबोरेटरी मेथड बोल सकते हैं इसको। दूसरा है फ्रॉम इनुलिन। इनुलिन ठीक है, दिस इज ए कमर्शियल मेथड, ये एक औद्योगिक विधि है। C6H10O5N ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एच प्लस तो क्या बनेगा? C6H12O6, दिस इज फ्रक्टोज। किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दिस इज नॉन, ये दो मेथड है, दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड, दिस इज अ कमर्शियल मेथड। ठीक है, इस मेथड के द्वारा हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज दैट इज क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। पहली रिएक्शन देखिएगा, इसमें ए टाइप्स टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की सीधी श्रृंखला के बारे में आपको पता लगाना है। जैसा ग्लूकोज में पढ़ा था वैसे ही फ्रक्टोज में है। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसे होगी? CH2OH, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच, ओ एच का होल थ्राइस, CH2OH। ठीक है, सोडियम बोरहाइड्राइट NaBH4, सोडियम बोर हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं अपन? रिडक्शंस कराते हैं। रिडक्शंस 2H ठीक है, क्या होता है बेटा जी? रिडक्शंस तो क्या बनेगा? CH2OH, CHOH, CHOH का होल थ्राइस एंड नाउ CH2OH। ठीक है, इसका नाम बताया था सार्बिटोल। कंपाउंड का नाम क्या है? सार्बिटोल। फिर आगे रिएक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई के साथ। रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई के साथ तो क्या बनेगा? एन एक्सेन बनेगा। ये बनेगा CH3CH2O4CH3 एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का बनना यह सिद्ध करता है कि एन हेक्सेन का बनना यह सिद्ध करता है कि फ्रक्टोज की छह सदस्य सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, एन हेक्सेन का बनना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, टू डिटरमाइन द
प्रेजेंस ऑफ, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित होता है कि नहीं होता, इसके बारे में किससे रिएक्शन कराते हैं। दो रिएक्शन बताए थे आप लोगों को। फर्स्ट नंबर की रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद HCN, HCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं HCN, तो CH2OH CH OH O3 CH2OH, इसका रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ, HCN के साथ, तो क्या बनेगा, कहां आक्रमण होगा, ये सिर्फ इधर, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। एच कहां जाके जुड़ेगा, इसके ऊपर, और साइनेट कहां जाके जुड़ेगा, कार्बन पे। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, CH2OH का होल थ्राइस CH2OH प्लस CH2OH सी साइनाइड CH, क्योंकि ये नया केएल सेंटर बन चुका है OH साइनाइड CH OH का होल थ्राइस CH2OH। ऑक्सिन क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन, फ्रैक्टोसाइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, फ्रैक्टोसाइनोहाइड्रिन, क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्टो साइनो हाइड्रिन, फ्रैक्टो साइनो हाइड्रिन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के अंदर टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ग्रुप, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकंड नंबर की रिएक्शन हमने बताई थी आप लोगों को, रिएक्शन विद NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, NH2OH के साथ, रिएक्शन विद NH2OH, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखिएगा हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन कैसे रिएक्शन होगी, H2NOH, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2 minus H2 CH2 OH C double bond O and OH CH OH का होल थ्राइस फ्रैक्टोऑक्सिन, क्या बनता है इससे, इस कंपाउंड का नाम है फ्रैक्टोऑक्सिन, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फ्रैक्टोऑक्सिन। तो ये दोनों रिएक्शन फ्रैक्टोज के अभिक्रिया एचसीएन के साथ भी कराई, अपने हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ भी कराई, जो ये प्रदर्शित करती है कि फ्रैक्टोज में कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, अब कार्बोनाइल ग्रुप तो है, अब कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलनेजेंट, तो जो फ्रेक्टोज होता है, फ्रेक्टोज कैसे पता लगाएंगे, नेक्स्ट है इसमें, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कीटोनी ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के बारे में पता लगाना है ना, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फ्रैक्टोज की अभिक्रिया, फ्रैक्टोज किसके साथ कराइए, टॉलन रिएजेंट एज वेल एज फैलिंग सॉल्यूशन, दोनों के साथ ही इसकी कोई रिएक्शंस नहीं होती, नो रिएक्शंस, दैट इज नो रिएक्शन, तो कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो टॉलिन एजेंट फैलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता तो वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करता और टॉलिन एजेंट के साथ रिएक्शन करता, जैसा ग्लूकोज ने टॉलिन एजेंट के साथ भी रिएक्शन की थी और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन की थी, वहां पर क्या बनाता, ग्लूकोनिक एसिड बनाता, ठीक है, तो इसके साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, दैट इज
कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? कीटोनी ग्रुप आर प्रेजेंट, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शंस। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप कीटोन में ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आपको पता लगाना है। तो देखिएगा कैसे रिएक्शन कराते हैं। पहले रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विद पीसीएल फाइव। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? रिएक्शन विद पीसीएल फाइव, पीसीएल फाइव के साथ रिएक्शन कराएंगे सीएच टू ओ एच, सी डबल वन ओ सी एच ओ एच थ्री सी एस टू ओ एच। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था ग्लूकोज के साथ रिएक्शन में पीसीएल फाइव। ठीक है सर, तो इससे क्या बनेगा? सी एच टू सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एल का होल थ्राइस एंड सी एच टू सी एल, इसका फॉर्मेशन होगा पी ओ सी एल थ्री। इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस एस सी एल। ठीक है, देखिएगा फाइव एंड फाइव। इसके बाद रिएक्शन होती है, कल भी बताया था रिएक्शन होती कैसे है, किस तरह से रिएक्शन करता है ये OH ग्रुप, कैसे रिएक्शन करता है ये OH। तो हमने आपको एग्जांपल लेके बताया था, ऐसे PCl5, PCl5 को हमने खोल के लिखा PCl3 और Cl, इसको इससे हमने ओपन करके रखा कि रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन ऐसे होती है, यहां से तो क्या निकल जाएगा HCl, और यहां से क्या निकल जाएगा ये, तो क्या निकलेगा? एक तो मॉलिक्यूल निकलेगा HCl का प्लस HCl, ये इससे निकलेगा प्लस क्या निकलेगा POCl3, और क्या रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है PCl5 के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? इसके साथ रिएक्शन करानी है ना, तो एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे। देखिएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ओ, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनता है? 5 मोल लेते हैं 5, तो इससे बनता है CH2O CO CH3 CO CH2O CO। फ्रेक्टोस, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एसिटेट फ्रेक्टोस। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटा एसिटेट फ्रेक्टोस। ठीक है बेटा जी, तो ग्लूकोज की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, तो ये सॉरी फ्रेक्टोस की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनता है? पेंटा एसिटेट फ्रेक्टोस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज,
ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ फ्रेक्टोज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ फ्रेक्टोज, दैट इज क्या मतलब है, फ्रेक्टोज का ऑक्सीकरण विदलन, मोस्ट 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 रिएक्शन से फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण विदलन, दोनों रिएक्शन पढ़नी है, फ्रेक्टोज का ऑक्सीकरण विदलन, ठीक है, देखिएगा, फ्रक्टोज CH2OH सी डबल बॉन्ड ओ CH OH का होल थ्राइस एंड CH2OH किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शंस, इन प्रेजेंस ऑफ HIO4 पैराडिक एसिड्स, HIO4 की प्रेजेंस में होती है, HIO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है पैराडिक एसिड, देखिएगा किस तरह से इसको हम अरेंज करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH OH एंड नाउ CH2OH, ठीक है, HIO4 का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे पहले देखिएगा कल ही बताया था 1 डिग्री अल्कोहल ये ग्रुप होता है, उसके ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा यहां पर एल्डिहाइड, तो ये क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस, ये वाला ग्रुप इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें HC डबल बॉन्ड O, बाकी कैसे कैसे लिखना है आप लोगों को CH OH सी डबल बॉन्ड O एंड नाउ CH2OH, ठीक है, फिर दोबारा से इसकी प्रेजेंस में अगर आओगे वही HIO4 ऑक्सीडेशन, तो देखिएगा फिर अगला वाला बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, तो देखिएगा आगे इसको ऐसे कैसे लिखिएगा फिर CH2OH सी डबल बॉन्ड ओ CH2OH, यहां क्या बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्मिक एसिड, ठीक है, प्लस फिर दोबारा कराइए ऑक्सीडेशन किसके साथ HIO4 के साथ कराएंगे ऑक्सीडेशन, इस बार कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा ये, ठीक है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके से तो क्या बनेगा HCOH प्लस, यहां क्या बनेगा देखिएगा ये किसमें चेंज जाएगा HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये क्या रह जाएगा CH2OH, ठीक है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन कराते हैं HIO4 के साथ, HIO4 का नाम होता है पैराडिक एसिड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस से आप देखिएगा क्या होता है यहां पर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाता है ब्रेक, ठीक है, तो देखिएगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ब्रेकिंग से क्या बनेगा HCOH प्लस, ये बीच में क्या बनेगा इससे क्या बनेगा CO2, ठीक है प्लस, और इस वाले से क्या बनेगा आपका इससे क्या बनेगा HCHO, ठीक है HCHO, तो हम क्या कह सकते हैं अगर आप पूरी रिएक्शन की बात करें कि फ्रक्टोज के पैराइडिक फ्रक्टोज के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में कितने मोल HIO4 की जरूरत पड़ती है, क्या लिख सकते हैं अपन C6H12O6, ये क्या है हमारा फ्रक्टोज है, इसका आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराना है किसकी प्रेजेंस में HIO4, कितने चरण जुड़ेंगे 1, 2, 3 एंड 4, 4 HIO4 की जरूरत पड़ेगी, 4 मोल ऑफ HIO4 बनेगा क्या 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2, तो क्या बना 2HCHO प्लस फॉर्मिक एसिड कितने बने 1, 2 एंड 3,
थ्री मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस वन मोल्स ऑफ सीओ टू। इसे द मेन रिएक्शंस ग्लूकोज के सॉरी फ्रेक्टोज के पायरिडिक ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? चार मोल तो किसी से पड़ती है एच आई फोर की, बनता क्या है टू एस सी एच ओ प्लस थ्री एच सी ओ एच प्लस सीओ टू, ठीक है ये इससे बनता है। जबकि यही रिएक्शन आपने ग्लूकोज के में पड़ी थी, ग्लूकोज में, ग्लूकोज वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, वहां पर कितने पड़े थे फाइव एच आई ओ फोर, वन मोल ऑफ फॉर्मेलिडेट बना था एच सी एच ओ प्लस फाइव मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड बना था। ये हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है तो वन मोल ऑफ फॉर्मेलिडेट एंड फाइव मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जबकि फ्रेक्टोज के चार मोल पायरिडिक एसिड की उपस्थिति में दो दो मोल एसिड के तीन मोल फॉर्मिक एसिड के एक मोल किसका निर्माण होता है बेटा जी सीओ टू। दोनों रिएक्शन मोस्ट है ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एज वेल एज फ्रेक्टोज का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एग्जाम में पूछा जाता है, थर्ड ईयर के पेपर में आपके दोनों ही रिएक्शन मोस्ट है। थैंक यू।